अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। तो ये देखें जी, मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ता बनाने के लिए ना, कल तो हम लोगों ने सैंडविचेस खा लिए थे, तो मैंने कहा चलो आज ना पराठा बनाने लगी थी मैं, चीनी वाला पराठा ना। तो मेरी बेटी मांग रही थी, मेरी बेटी कह रही थी कि मुझे ना आप ना चीनी वाला पराठा बना दें वो, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो ये ना मैं चीनी वाला पराठा बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए मैं छोटे छोटे से दो पेड़े लूँगी और उनके अंदर जो चीनी है ना वो उसमें फिल कर दूँगी। उसके बाद इसको बेल के ना तो वो मैं बना दूँगी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी सुबह के टाइम कल ना, तो शाम के टाइम ना मौसम इतना प्यारा सा हो गया था ना, हवा भी चलने शुरू हो गई थी और मौसम अच्छा खुशगवार हो गया था। तो यानी कि ये हो रहा, सुबह के टाइम मौसम गर्म हो जाता है और जैसे शाम होती है ना तो इतना अच्छा मौसम, ठंडक ठंडक सी हो जाती है। थोड़ी थोड़ी ना बारिश भी हुई थी, कतरे थोड़े से बारिश के भी गिरे थे। तो चलें जी, साथ साथ बातें करते करते ना साथ मैं इसको बेल लेती हूँ अच्छी तरह से। और आटा ना मुझसे बेल ही नहीं रही थी ना रोटी, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी और दिल भी नहीं कर रहा था कुछ करने का ना। तो मैंने कहा बनानी तो है रोटी, तो फिर ये देखें इसमें मैंने शुगर थोड़ी सी डाली है और इसको ना ऐसे फैला दिया। और उसके बाद इसमें दूसरा पेड़ा जो है ना वो बेल के रखा है वो इसके ऊपर डाल के ना, तो ये मेरा चीनी वाला पराठा जो था फिर रेडी हो जाएगा। और इतना मज़े का लगता है चीनी वाला पराठा ना, कभी समझ ना आए क्या खाने की, तो फिर मैं भी ना चीनी वाला पराठा अपने लिए बना देती हूँ। तो ये ना आटा थोड़ा ना नरम सा हो गया था, मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ था आटा। मैंने कहा चलो बनाऊँगी ना जिससे थोड़ा सा नरम हो जाए, तो वो कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा था, तो मुझे सही बन नहीं रही थी रोटी। बड़ी मुश्किल से ना पराठा बना था मेरा ऊपर, एक तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा था गर्मी में बनाने का, और दूसरा बस आटा भी कुछ मुझे लग रहा था थोड़ा ना पतला पतला सा हो गया, काफ़ी देर बाहर पड़ा ना, तो उस वजह से शायद हो गया। तो चले शुक्र है जी, पराठा तो मेरा बिल गया था। तो अब मैंने सिर्फ ये एक ही बनाना था चीनी का पराठा, तो मैंने इसको ऊपर डाल दिया तवे पे आराम से डाल दिया। तो मैंने कहा चलो ये बन जाए। तो उसके बाद फिर ना मैंने अपना रोटी, अपनी रोटी जो थी वो भी मैंने बना ली अपने लिए। मैंने सादी रोटी बनाई थी, मैंने ना पराठा नहीं आज खाया, मेरा दिल नहीं कर रहा था पराठा खाने का। तो ये मैंने कहा था ये चीनी वाला पराठा ना अपनी बेटी से थोड़ा सा लेके खा लूँगी। और वैसे मैंने ना सादा पराठा बनाया था अपने लिए रोटी सालन के साथ खाने के लिए, तो ये मैं अपने लिए बना रही थी अब। तो वैसे मैं थोड़ा सा बड़ा ही पेड़ा बनाती हूँ, ये अब मैंने ना नॉर्मल ही रखा है पेड़ा, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी और पराठा खाने का दिल नहीं था। तो मैंने कहा चलो रोटी बना लेती हूँ, ब्रेड भी ख़त्म हो गई थी, अदरवाइज़ ब्रेड होती तो मैंने ब्रेड खा लेनी थी, घर पर कोई भी नहीं था। तो मैंने इसलिए ना, मैं और मेरी बेटी के घर पर, तो मैंने कहा चलो अपने लिए भी ना रोटी बना लेती हूँ। फिर मैंने अपने लिए भी ना रोटी बेल ली, तो पराठा एक तरफ बन गया था, एक तरफ रोटी बिल गई थी, और फिर मैंने ना रोटी आराम से खा ली थी नाश्ते में ना। और आजकल ना दिन के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो दिल ही नहीं करता नाश्ता करने का गर्मी की वजह से ना, हैवी चीज़ें ऑयली वगैरह चीज़ें खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन मजबूरी है खानी पड़ती है। मैंने ना ब्रेड कल मंगवाई थी, तो वो ना सारी उसी टाइम ख़त्म हो गई थी, फिर मुझे याद नहीं रहा दोबारा मंगवाने का। तो फिर मेरा बेटा था वो भी घर पर नहीं था, तो घर पर वो सब चले गए थे। तो मैंने ना फिर मैंने कहा चलो आटा है तो इसकी रोटी बना लेती हूँ। तो मेरी बेटी को भी मैंने कहा, वो कहती मैंने पराठा नहीं खाना, पहले वो ये कहती कि मैंने कुछ नहीं खाना खाली चाय पीऊँगी। तो फिर बाद में थोड़ी देर के बाद कहती आप ऐसा करें आप मेरे लिए ना चीनी वाला पराठा बना दे, तो मैंने कहा चलो ये बना देती हूँ। तो फिर मैंने भी उससे थोड़ा सा खा लिया था, बड़ा मज़े का बना था पराठा। तो आजकल तो ईद जो है वो भी करीब आ रही है, जैसे जैसे ईद करीब आ रही है तो जानवर वगैरह मज़ीद महंगे हो गए हैं, और अभी तक तो मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह भी करनी है, क्योंकि गर्मी में ना काम करने का भी दिल नहीं करता। गर्मी में किचन में काम कर लो वही बड़ी बात है, तो दूसरे काम क्या करने हैं। सफाई सुथराई का काम तो बिल्कुल नहीं किया जाता गर्मी में ना। तो अब देखेंगे मौसम, वैसे ना शाम के टाइम मौसम अच्छा हो जाता, लेकिन शाम के टाइम सफाई तो नहीं की जाती। जब मैंने दिन के टाइम एक दो दिन सफाई की ना, तो वो ऐसा हुआ कि वो आंधी आई है और सारा वैसे का वैसे कचरा बाहर से उड़ के, पता नहीं क्या क्या शॉपर और गंद वगैरह उड़ के, मिट्टी वगैरह उड़ के सारे घरों के अंदर आ गई है। तो मैंने कहा ये अच्छा, मैंने इतनी मेहनत से सफाई की थी और इस तरह हो गया ना, तो फिर इसलिए मैंने दोबारा ना मेरा दिल नहीं किया करने का। मैंने कहा जब ईद में दिन थोड़े रह जाएंगे ना फिर मैं स्टार्ट करूँगी। अभी क्योंकि मैं डेली रूटीन में जो थोड़ा बहुत होता है ना काम, मैं बस वही कर रही हूँ, मतलब कि डीप क्लीनिंग नहीं कर रही ना मैं, जितना जितना होता है उतना कर लेती हूँ। और गर्मी इतनी सख्त होती है ना दिन के टाइम खास कर, तो फिर मैं ना जब ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो मैं दिन को भी थोड़ी देर के लिए AC लगा लेती हूँ। तो मैंने कहा अब जान से ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है ये चीज़ें,
तो इसलिए फिर मैंने लगा लेती हूँ दिन के टाइम। तो रात को तो लगाना पड़ता ही है अगर गर्मी हो तो। कई दफ़ा मौसम जब रात को ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना फिर नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती, और जब गर्मी ज़्यादा होती है फिर तो लगानी पड़ती है, एसी के बगैर तो गुजारा ही नहीं होता ना। तो फिर मैं सोचती हूँ वो लोग कैसे रहते होंगे जिनके घर में एसी नहीं हो। अपने से नीचे को देखना चाहिए, हम लोग अपने से ऊपर को देख के कहते हैं हमारे पास काश ये भी हो ये भी हो। तो हम लोग ये नहीं सोचते कि जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके पास कोई सहूलियात नहीं है तो वो बेचारे ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतें दी हैं। तो इतनी ये भी सहूलतें हैं, नेमतें हैं हमारे लिए, जिस तरह एसी है काम करता है तो ये इस तरह की चीज़ें ये हमारे लिए किसी भी नेमत से कम थोड़ी हैं। तो फिर भी हम लोग ना शुक्र रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है तो वो नहीं है, जो चीज़ होती है उस पर हम शुक्र अदा नहीं करते। तो चलें जी, बातें काफ़ी हो गई हैं। अब ना मेरा आटा जो था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो मुझे आटा भी गूंदना था। आटा जो था वो मैंने पका लिया था जितना था, रोटी भी बना ली थी, वो खा भी ली थी, उसके बाद मैं फारिग थी। तो मैंने नाश्ता करने के बाद ना, तो मैंने कहा दोपहर को फिर आटा भी नहीं होगा, तो मैंने ना फिर आटा गूंद लिया था। बर्तन वगैरह वॉश करने वाले थे वो भी कर लिए थे, किचन का काम कर लिया था। उसके बाद मैंने आटा शाटा गूंद के ना तो इसको मैंने रख दिया था। मैंने कहा जब रोटी पकानी होगी खानी होगी तो फिर बना लूँगी, तो गूंद के रखना तो चाहिए ना। तो इसलिए मैंने कहा बाद में फिर सुस्ती पड़ जानी है, तो इसलिए अभी गूंद के मैं रख देती हूँ आटे को। तो ये ना फिर क्योंकि पड़ा गूंदा हो ना अच्छी तरह से तो वो राइस हो जाता है, तो वो पकता भी अच्छा है। उसी टाइम गूंद के बनाओ तो वो रोटी भी अच्छी सी नहीं बनती, वो पापड़ सी बन जाती है कहीं से, वो अजीब सी बन जाती है रोटी। तो आज ना मैं सोच रही थी कि मैं ना कलेजी और पोटे हैं ना वो बनाऊंगी। तो मैं स्पेशल कभी कलेजी पोटे ना कभी स्पेशल नहीं लेके आई। तो जब मैं चिकन मंगवाती हूँ ना तो वो पूरी चिकन मंगवाती हूँ, तो उसमें ना कलेजी पोट तो लाजमी देते हैं, वो इसके बगैर नहीं देते। और चिकन जो होता है वो पूरी मुर्गी करवा लेती हूँ, जितनी भी होती है 1.5 किलो 1.25 किलो की होती है ना, तो वो पूरी करवा लेती हूँ। उसके साथ वो सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, उनको कहो ना कि वो ये निकाल लें तो वो निकाल लेंगे, लेकिन उन्होंने ना फिर उसके जगह कुछ डालते नहीं हैं। तो फिर मैं ना इसी तरह ले आती हूँ, तो वो फिर कलेजी और पोट है ना वो मैं जब भी चिकन का कोरमा या चिकन की बिरयानी वगैरह बनाती हूँ ना, तो पोटे वगैरह मैं उसमें नहीं डालती, क्योंकि उसमें डालूँ ना तो फिर उसमें ना अजीब सी ना वो स्मेल सी आती है कलेजी की ना। तो फिर इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि मैं ना उसको सेपरेट रख लेती हूँ और फिर मैं इकट्ठी कर लेती हूँ ना। तो वो मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हुई थी, तकरीबन 1.5 किलो के बराबर तो होंगी ना। मैंने बनाई कोई नहीं, तो मैंने कहा चलो इसको इकट्ठा करके ना तो इकट्ठी बना लूँगी। कुछ लोग ना मैंने देखा शॉप पे ना, उन दुकानदारों ने ना अलहदा रखी होती हैं और वो लोग लेके जा रहे होते हैं कलेजी और पोटों का, अलग अलग रेट होता है तो वो लेके जाते हैं। तो अच्छी लगती हैं, बनी अच्छी बनी हो ना तो अच्छी लगती हैं। वैसे कुछ लोग नहीं खाते क्योंकि उसमें ना स्मेल आती है अजीब सी, एक हींग सी होती है उसकी ना कलेजी पोट की, तो वो आती है। लेकिन जिस तरीके से मैं बनाऊँगी ना तो मैं आपको अपने तरीके बताऊँगी, तो बिल्कुल ही उसमें से ना बिल्कुल स्मेल नहीं आती ना। तो मैंने क्या किया कि कलेजी पोटों से क्योंकि मेरे पास 1.5 किलो के बराबर थी, तो मैंने ना उसमें से हाफ लेके ना कलेजी और पोटों को ये मैंने वॉश करके ना अच्छी तरह से, जब मैंने वॉश फ्रीज़र में रखा था ना तो इसको मैंने सिरके और नमक में डिप करके ना 1 घंटे के लिए रखा था। उसके बाद अच्छी तरह से वॉश करके इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो ये अब मैंने फ्रीज़र से निकाली थी और इसको मैंने अच्छी तरह से दोबारा वॉश किया और इसमें पानी डाल दिया, साथ में हल्दी डाली है और नमक डाल दिया। अब मैं इसको चढ़ा दूँगी आग पे, ठीक है, और ये इसको बॉयल करना है, मैंने 3-4 बॉयल देने हैं इसको, ठीक है। 3-4 बॉयल हो गए हैं, अब इसका पानी मैं ड्रेन आउट कर दूँगी, उसके बाद फिर जो है ना मैं आपको बताती हूँ सारा प्रोसेस। और एक तरफ मैंने प्याज जो है ना उसको मैंने प्याज को काट के उसमें पानी डाल के ना 2 गिलास पानी डाल के ना उसको मैंने आग पे रखा है, ताकि प्याज जो है ना वो नरम हो जाए, प्याज का सारा पानी खुश्क हो जाए और जो प्याज है ना वो मुझे पीसी हुई चाहिए। तो ये ना लाइट नहीं आ रही थी तो मैंने कहा चलो इस तरीके से बना लेती हूँ, अगर लाइट आ भी रही हो ना तो फिर भी ये तरीका ठीक है। तो इसका ये होता है कि इसमें कोई ब्लेंडर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इसी तरह प्याज पीस जाएगा। अब इसमें पानी थोड़ा सा है लेकिन प्याज जो है ना वो अभी भी सख्त है, तो मैंने ना उसको ऐसे ही ढांप के ना रख दिया। दूसरी तरफ ये कलेजी और पोट है ना इसको मैंने ना वॉश कर लिया है, जब पानी ड्रेन किया ना इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया और अब इसको मैं छोटे छोटे पीसीज में काट रही हूँ। इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मैंने कहा इतने बड़े बड़े पीस क्या करने हैं, उतने करें ना, छोटे छोटे कटे हुए पीस अच्छे लगते हैं, जितने आराम से ना खाए जाएंगे एक नवाले में आराम से फिर आ जाते हैं। और ये कलेजी जो है ना कलेजी को मैं अलहदा काट के रखूँगी और पोट को अलहदा रखूँगी, क्योंकि जब मैंने मसाला बनाऊँगी ना तो कलेजी सेपरेट डालूँगी, पोट को सेपरेट डालना मैंने, यानी कि मैं पोटों को पहले डाल दूँगी क्योंकि वो सख्त होती है और कलेजी जो होती है वो नरम होती है, तो मैं पोट को पहले बनाऊँगी पकाऊँगी और उसके बाद
कलेजी डाल के बनाऊंगी। और ये देखें प्याज में अभी भी पानी है, तो मैं ना देख रही थी, मैंने कहा प्याज में अभी भी पानी है, इस पानी को मैं सारे को खुश कर लूँगी। तो इसको दम में पकाया ना मैंने, अब फिर इसको थोड़ा देर और दम दे के ना इसको मैं खुश कर लूँगी। जब ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा ना, तो फिर इसमें मैं ऑयल डाल के ना इसको फ्राई करती हूँ। तो ये मैं चीज़ें भी फ्रीज़र से निकाल लाई थी, और यकीन करें इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, मैं इतनी मुश्किल से बना रही थी ना, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, बस दिल कर रहा था एसी में जाके ना एसी के नीचे मैं बैठ जाऊँ। तो मैंने ना जल्दी से पानी निकाला और पानी पी रही थी अब मैं, ठंडा ठंडा, ये बर्फ़ वाला पानी था, तो मैंने कहा ठंडा ठंडा पानी पीऊँ तो उसके बाद ही मुझसे काम होगा। उसके बाद पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया था, तो इसको मैंने पीसा काफ़ी, ये चमचे से ना पीसने की कोशिश की है। और बाकी जो है ना, ये मैं जब इसका मसाला वगैरह भूनूंगी ना, ये साथ ही साथ मिक्स हो जाएगा। तो आजकल पता नहीं कैसे प्याज हैं, प्याज इससे पहले मैंने दूसरे प्याज होते थे वो तो एकदम से हो जाते थे, ये प्याज ना काफ़ी टाइम लगा इसको पीसने में, ना नरम ही नहीं हो रहा था ये प्याज, पता नहीं कैसा प्याज है। तो लाइट जो थी वो भी बार बार आ जा रही थी, तो वैसे मैं इस तरीके से बनाती हूँ, ये भी अच्छी तरीके से बनता है। तो ये कलेजी थोड़ी है, पोटे ज़्यादा हैं इसमें ना, तो ये पोटों को मैंने काट लिया, कलेजी को भी काट लिया, साथ में इसमें दिल भी थे। तो ये इसको ना मैं लाइट ब्राउन सा करूँगी, इसमें ऐसे ही भून रही हूँ ऑयल में। अब ये लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है मैंने इसमें, साथ में ज़ीरा डाल के ना इसको अच्छी तरह से भूनना है, कि इसमें खुशबू सी आने शुरू हो जाएगी ना जब, फिर मैं बाकी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। ये इसमें ज़ीरा भी मैंने डाल दिया था, और इसको अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ। तो ये टमाटर की पेस्ट थी मेरे पास, तो उसको भी मैंने तोड़ के ना उसको अलग कर लिया था। मैंने खाना बनाने से पहले ना लहसुन अदरक और टमाटर की पेस्ट को ना बाहर निकाल के रख दिया था, मैंने कहा उसके बाद ना टूटती है बड़ी मुश्किल से है, तो ये ना पहले निकाल के रखा हुआ था तो आराम से ईजीली टूट गई थी। तो मैंने फिर जो है ना इसमें डाल ली, और इसमें मैंने अच्छे खासे टमाटर डाले हैं, और अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, और हल्दी डाल दी है, और फिर उसके बाद मैंने ना खुश्क धनिया का पाउडर भी डाला है इसमें, इससे खुशबू इसकी अच्छी आएगी। और इसको सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मसाले को भून के ना, तो उसके बाद फिर मैं इसमें पोट जो है ना वो बॉयल तो हुई है, लेकिन अभी भी उसमें मतलब फुल पकी हुई नहीं है, वो तीन चार बॉयल के बाद ना मैंने उसकी पानी उसको ड्रेन कर दिया था। तो उसके बाद अब मैं इसमें मसाला अल्हम्दुलिल्लाह से भून चुका है, अब ये पोटे हैं ना ये डाल दूंगी, और जो कलेजी है ना वो मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी। तो पोट जो है ना उसको मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी, इसमें ना दम में बनाऊंगी, इसमें ये मसाला भुना है ना इसमें पोटे डाल के बाद में थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूंगी और इसको दम में पकाऊंगी, और ये दम में ना ये गल जाएंगी क्योंकि इसमें अभी कसर है, फुल नहीं गली हुई है, तो ये दम में पक जाएंगी। तो उसके बाद फिर ना मैं 10 मिनट के बाद ना फिर इसमें कलेजी ऐड कर लूंगी और दही भी इसमें डालूंगी बाद में। और ये इस तरह ना इतना मज़े का ये बना था ना सालन, और इस तरह इस तरीके से बनाएंगे ना ज़रा भी इसमें स्मेल नहीं आती, इतना अच्छा बनता है। अदरवाइज़ वैसे पकाएं ना तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि ये कलेजी पोट ना उसमें स्मेल बड़ी आती है, इसलिए लोग पसंद नहीं करते। तो कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, उनमें बिल्कुल स्मेल नहीं आती। तो ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, और उसके बाद मैं इसको दम दे के ना मज़े, तो ये देखें इसमें ना मैंने पोटे डाल के ना इसको दम में पकाया 10 मिनट तक। अब इसमें मैं कलेजी ऐड कर दूंगी, ये इसमें मैंने कलेजी ऐड कर दी है, तो अब इसको कलेजी और साथ में इसमें दही जो है वो ऐड कर दूंगी। तो अब ये देखें इसमें दही डाल रही हूँ, अब इसको मैं दम में ना मज़ीद और पकाऊंगी, इतना पकाऊंगी कि इसका जो मसाले में से सारा जो है ना घी वगैरह अलग हो जाएगा और ये अच्छी तरह से भून जाएंगी। तो ये ना दही वगैरह डालने से भी ना इसमें स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है दही से भी। तो अभी इसमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, ज़रा भी स्मेल नहीं थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इसको दम दे दिया, और अब मैंने इसका दम उठा के देखा है तो ये काफ़ी हद तक ना ये पक गया था, और मैंने इसको ना निकाल के चेक भी किया था, ये गल गया था। और ये अभी भी इसमें ना थोड़ा थोड़ा मुझे पानी लग रहा था, इसको मैंने सारे को खुश करना है। और अब इसमें मैंने चिली फ्लेक्स भी डाल दिए हैं, तो मैंने कहा जरा करारी करारी जो होती है ना वो अच्छी लगती है कलेजी, बिल्कुल ना मतलब मिर्च मसाले इसमें थोड़े करारे हो ना तो फिर मज़े के लगते हैं। तो कलेजी पोट जो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये तो हर एक को बनानी आती हैं हर एक का, लेकिन ये है कि तरीका अपना अपना होता है। और ये ना अल्हम्दुलिल्लाह से ना ये पकने वाला था, तो मैंने बाद में इसमें ना 2 लेमन लिए थे और लेमन जूस मैंने इसमें ऐड कर दिया, मैंने कहा इससे इस तरह ना इसमें खटास होगी तो और मज़े की लगेगी ना, तो ये ना स्पाइसी अच्छी लगती है, फीकी फीकी नहीं अच्छी लगती कलेजी। और इसको ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। तो आप लोग अपने तरीके से तो बनाते ही हैं ना, तो ये तरीके से भी बना के देखिएगा और मुझे फिर बताइएगा कि कैसी बनी। इस मुझे उम्मीद है कि आपको ना इस तरीके से बहुत पसंद आएगी और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बहुत अच्छी बनती है।
इसको दम दे दूंगी और इसको मज़ीद जो है ना अभी मैं दम दूंगी, अभी मैंने मसाला डाल के ना अब इसको ढाम के रख दूंगी दम में, हल्की सी आग पे मैं दम दूंगी, उससे ना इसका घी जो है ना वो निकलेगा और ये जो मज़ीद जो थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है ना ये भी खुश्क हो जाएगा। और इतनी मज़े की ये बनी थी, आप लोग ना इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो मे भी आप अच्छे तरीके से बनाते हो, इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाते होंगे, लेकिन इस तरीके को भी आप फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। तो चलें जी हम करते हैं अपना डिनर, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।